Hey guys, I'm back with another interesting video. तो आज हम लोग करेंगे फूड रिव्यू। तो मेरा तबीयत अभी भी खस्ता है, होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे दो अलग अलग टाइप के मोमोज, दो अलग अलग टाइप के मोमोज नहीं, सॉरी, तबीयत खराब होने के कारण मुंह से कुछ भी निकल रहा है। दो अलग अलग जगह से मोमो, मतलब एक स्ट्रीट से जो कि थोड़ा सस्ता वाला है और एक है थोड़ा महंगा वाला वाव मोमो से। तो पता नहीं क्या हो रहा है, कल से मैं मोमो ही खाए जा रहा हूँ। स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल डेली लाइफ स्टाइल अनबॉक्सिंग। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। गाइस आ गया है मेरा वाव मोमो। तो अभी इन दोनों को मैं ट्राई करता हूँ। तो आप लोगों ने देखा, अभी मैं स्ट्रीट से भी खरीद के ले गया है 50 रुपीज का। इसका कितना प्राइस पड़ा वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए सब कुछ कंपेयर करते हैं और टेस्ट रिव्यू मैं आप लोगों को देता हूँ कि कौन कैसा टेस्ट कर रहा है। तो हे गाइस, हम लोग आ चुके हैं देखिए मोमोज के साथ। तो ये है स्ट्रीट वाला मोमो जो कि आप लोगों ने देखा पैकिंग करते हुए, और ये है वाव मोमो जो कि अभी अभी डिलीवर हुआ है। तो अभी हम दोनों को ट्राई करेंगे एंड किसका कितना क्वांटिटी वगैरह सब प्राइस एंड टेस्ट वाइज कैसा क्या है सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए आज का फूड रिव्यू यहीं पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो गाइज मैं पहले ट्राई कर रहा हूँ स्ट्रीट वाला मोमो। तो स्ट्रीट वाला मोमो जो है पड़ा आपका 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ में इसमें आ गए हैं आपके कितने पीसेस, 10 पीसेस। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा फट गया निकालते निकालते, बट ये है 10 पीसेस। एंड यहाँ पे है आपका रेड हॉट सॉस और ये है आपका सूप। ठीक है, 50 रुपीज़ में आपको मिल गया इतना कुछ। और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं वाव मोमो की तरफ। तो वाव मोमो का मुझे पड़ा 138 रुपीज़। वैसे ये 199 का कॉम्बो है, बट इसका प्राइस मुझे 60% मतलब ऑफर था, तो लगाने के बाद मुझे पड़ा इसका प्राइस 138 रुपीज़। तो 138 रुपीज़ में मुझे ये सब मिल गया। एक मोबग मिल गया जो कि अंदर जिसका पैटी ना रख के उन लोगों ने मोमो रखा है, जिसके वजह से इसका नाम है मोबग। एंड ये है आपका शेजवान सॉस में फ्राई पैन फ्राइड मोमो, चिकन मोमो एंड और एक छोटा सा पेप्सी। ओके, इसके अंदर भी चिकन मोमो का ही मतलब मोमो है। तो प्राइस के हिसाब से ये ज़्यादा महंगा है और ये ज़्यादा सस्ता है, बट यहाँ पे चीज़ें हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स अ गुड डील। हाँ, अगर 199 पड़ता तो ये ऑब्वियसली ये ही गुड डील होता। गाइज 199 का कौन इतना सा खाएगा, इससे अच्छा 200 रुपये के कितने मोमोज होंगे, 40 मोमोज, तो उससे तो मेरा हो जाएगा काम। तो सोच लो किस किस को मोमोज पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए अभी टेस्ट रिव्यू हम लोग करते हैं। तो गाइज पहले हम लोग खाते हैं स्ट्रीट वाला मोमो। तो गाइस देखो, जो स्ट्रीट वाला मोमो का फिलिंग बहुत कम है थोड़ा सा। ठीक है, तो 50 रुपीज़ में और आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा फिलिंग्स जो है थोड़ा कम है। ठीक है, फिलिंग जो है थोड़ा सा कम है। टेस्ट वाइज बोला जाए तो मस्त है। तो अभी हम लोग ट्राई करते हैं वाव मोमो को। तो वाव मोमो जो है आप लोग देख पा रहे होंगे ऑलरेडी फ्राइड है, और इसके अंदर का फिलिंग बाप रे बाप बहुत सारा फिलिंग है। तो गाइज देखो, ये कोई प्रमोशन नहीं है गाइज, जस्ट एक जेन्युइन मतलब एक रिव्यू दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो इसके अंदर देखिए बहुत सारा ही चिकन भरा हुआ है। तो इसका टेस्ट करते हैं। मैंने कभी भी वाव मोमो का चिकन मोमो कभी नहीं खाया, मतलब वो भी फ्राइड वाला खाया है, स्टीम वाला खाया, फ्राइड वाला नहीं खाया। तो लेट्स टेस्ट। अच्छा है गाइस, बहुत ही अच्छा है, बट जो सॉस है इसके वजह से ये ज़्यादा ही स्वीट लग रहा है। मतलब जो मोमो का अंदर का फिलिंग है उसका टेस्ट मुझे नहीं मिल पा रहा है, सॉस की वजह से ये ज़्यादा ही स्वीट लग रहा है, बाकी बेस्ट है। तो गाइस दोनों का तो मैंने टेस्ट कर लिया। अगर मैं टेस्ट वाइज बोलूँ तो इसको 4.5 दूंगा और इसको 5 आउट ऑफ 5 ही दूंगा।
मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि नॉर्मल था, और अगर हम इसको पैन फ्राइड कराते तो 10 रुपये एक्स्ट्रा पड़ता, 50 से 60 रुपीज़ हो जाता, पर टेस्ट में कोई चेंजेस नहीं आता, तो सेम ही है गाइस। तो ये अच्छा था, इसका टेस्ट भी अच्छा लगता, बट ये सॉस के वजह से ज़्यादा ही मीठा लग रहा है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ एडिंग दिस सॉस मुझे नहीं पता, बट नॉर्मल अगर मोमो इसके तरह दिए होते तो ये बेस्ट होता। तो 4.5 इज़ ओके। तो अभी इसमें दिया है सूप, तो सूप को भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। सूप इज़ वेरी नाइस, बहुत ज़्यादा ही धनिया पत्ता ऐड किया इसमें, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, रॉ धनिया पत्ता का टेस्ट। वैसे अगर तबीयत खराब हो तो दिस इज द बेस्ट थिंग टू हैव। और इन लोगों का मूबक, ये तो चलिए गाइस अभी हम लोग मूबक को ट्राई करते हैं, और इसका क्या टेस्ट है मैं बताता हूँ आप लोगों को। इसके अंदर भी पैन फ्राइड मोमोज इन लोगों ने ऐड किया है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पूरा पास से। और मोमोज के ऊपर मेयोनीज डाला है, एंड कुछ रेड सॉस डाला है, एंड ग्रीन सॉस डाला है, शायद चिली सॉस होगा। तो ये सॉसेस ऐड किए गए, तो मैं सोच रहा था इनके मोमोज को निकाल के ही टेस्ट किया जाए। अगर आप होते तो आप क्या करते मुझे बताइए, विथ बन खाते या मोमो को निकाल के अलग से खा लेते? मजा आ गया गाइस, वाओ। इसमें ये मीठा वाला सॉस ऐड नहीं किया गया, पर ये भी पैन फ्राइड मोमोज ही है, मजा आ रहा है पर इसको खाने में। इससे ज्यादा तो ये प्रेफर करूंगा मैं गाइस। चलिए एक बचा है, इसके साथ ही खा के देख लेते हैं। बहुत गर्मी लग रहा है, फैन नहीं चला पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास मेरा आवाज पहुंचना चाहिए, फैन की वजह से पहुंचेगा नहीं, इसीलिए ये स्ट्रगल करना पड़ता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो गाइज ये बन जो है बहुत ज़्यादा ही ड्राई है, जिसके वजह से खा पाना इज़ नॉट पॉसिबल। थोड़ा सा अगर सेक लिया होता बटर के साथ तो और ज़्यादा अच्छा होता, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा ड्राई है कि मतलब आपको कोल्ड ड्रिंक का ज़रूरत पड़ेगा, यही सोचते हुए शायद इन लोगों ने कॉम्बो को बनाया है। तो आज का फूड रिव्यू आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओवरऑल मैं अगर बोलूँ बहुत ही एकदम मस्त थे, दोनों को ही अगर मार्किंग देना हो तो 9.5 एंड 9.5 मैं दूंगा, क्योंकि दोनों का अपना अपना कारीगरी है, दोनों अपने अपने लेवल पे हैं। तो कैसा लगा आपको, मोमो डे बना रहे हैं हम लोग, तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और मोमो किस किस को पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लीजिए, खाइए, मज़ा कीजिए।